नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को वरिष्ठ शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब को बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में तलब किया और पूछताछ की। शाम को ईडी कार्यालय से बाहर निकलते हुए परब थके हुए लेकिन अड़िग दिखाई दे रहे थे। परब ने कहा कि उन्होंने ईडी के अधिकारियों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने एक संक्षिप्त बातचीत में मीडिया से कहा, मैं ईडी जैसे प्राधिकरण के प्रति जवाबदेह हूँ, किसी व्यक्ति को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अगर दोबारा बुलाया जाता है तो मैं निश्चित रूप से जाऊँगा और उनके साथ सहयोग करूँगा। यह पूछे जाने पर कि क्या ईडी संतुष्ट है, परब ने कहा कि वह इस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे ने अप्रैल में परब और पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। यह घटनाक्रम एक दिन बाद आया जब ईडी ने यहां सिटी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 900 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना सांसद आनंद राव अड़सुल और उनके बेटे अभिजीत अड़सुल को तलब किया था। इससे पहले सुबह करीब 11 बजे अपने वकीलों के साथ ईडी कार्यालय में प्रवेश करते हुए परब ने कहा कि उन्हें सूचित नहीं किया गया है कि क्यों बुलाया गया है और कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने बताया कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी को अपना पूरा सहयोग देने के लिए ईडी कार्यालय पहुँचे। इस महीने की शुरुआत में परब ने ईडी के नोटिस को इस आधार पर नजरअंदाज कर दिया था कि जांच एजेंसी ने बुलाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया है। ये थी मुंबई से एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क की विशेष रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।